हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी ठीक होगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एप्पल एयरपोड्स के प्रो जो क्लोन वर्जन है, उनको हमने बाय किया था 3 मंथ्स पहले। उनका मैं लॉन्ग टर्म आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ इस वीडियो में, कि इसके बाद आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर एंड तक का, क्योंकि काफ़ी अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूँ। उसके बाद ही आप इसको परचेस करने का सोच सकते हैं या नहीं भी। गाइस, ये मैंने 3 मंथ्स पहले ऑर्डर करके मंगाए थे अमेजोन का, जब इनका प्राइस जो है 600 रुपये था, तो मैंने तभी इनको मंगाया था। उसके बाद मैं इनको 3 मंथ से यूज कर रहा हूँ। तो 3 मंथ यूज करने के बाद मैं आपको इस वीडियो को बना रहा हूँ, जिससे कि आपको पता लग जाए कि आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कमियाँ भी हैं और काफ़ी सारी अच्छाएँ भी। तो वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर एंड तक, जिससे कि आपको भी पता चल जाए कि आपको ये बाय करना है या नहीं करना। गाइस, बट इससे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, छोटा सा क्विक रिव्यू देने वाले हैं, जिससे कि आपको ये पता लग जाए जब भी आप ऑर्डर करके मंगाते हैं तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट आपको देखने को प्रोवाइड आती है कंपनी। बेसिकली किसी कंपनी से डिजायर नहीं होते हैं, ये एक क्लोन वर्जन है, इसकी कोई कंपनी नहीं है, बस आपको ऊपर की तरफ लोगो मिल जाएगा एप्पल का। तो कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं एप्पल के लोगो वगैरह सब यहाँ पे डिजाइन करे हुए हैं, और यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है जैसे ही बॉक्स को ओपन करते हैं। इसके अंदर आपको मैनुअली गाइड देखने को मिलती है, जिनको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, बट इसके अंदर जो भी इन्होंने लिखा है इसके अंदर वो कहीं पर भी नहीं है। इन्होंने सेम टू सेम डिटो ओरिजिनल की कॉपी की है, जो कि ओरिजिनल में ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ये देख सकते हैं हमारे एयरपोड्स प्रो हैं, ऊपर की तरफ ही आपको इस तरह से रखे हुए मिल जाएंगे। तो मैंने इनको 3 मंथ यूज करा है, तो 3 मंथ का ही मैं आपको यहाँ पर रिव्यू देने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा है, बट इसको हम जो है साइड में रख लेते हैं। उसके बाद बॉक्स के अंदर आप देखते हैं क्या क्या चीज़ मिलती है। तो यहाँ पर आपको एक डाटा केबल मिलती है, जो कि यहाँ पे डाटा केबल दे रखे हैं इन्होंने, यूएसबी की डाटा केबल बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ से एप्पल की डाटा केबल देखने को मिलेगी और दूसरी तरफ से सी टाइप की। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो सकती है आपको। तो गाइस, सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम यही लगी कि इन्होंने यहाँ पे यूएसबी वाला डाटा केबल नहीं दिया, जो कि एक सी टाइप का डाटा केबल दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो है ईयरबड्स मिल जाएंगे, जो कि इनकी रबड़ होती है, एक्स्ट्रा में आपको 2 पेयर मिल जाएंगे। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिया है, अदरवाइज आपका जो कहीं पर भी खो जाता है तो आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बॉक्स में और ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, हमारा बॉक्स जो है खाली हो गया है। उसके बाद करते हैं इसके जो है डिज़ाइन की बात। तो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको डिजाइन एप्पल कैलिफोर्निया बिल्कुल सेम टू सेम डिटो आपको ओरिजिनल एयरबड्स की जैसे ही यहां पे कॉपी मिलेगी। बाहर गाइस, बिल्ड क्वालिटी के मामले में बिल्कुल ही ज़्यादा बेकार है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं स्टील डिजाइन को कितनी बुरी तरह से रफ़ हो चुका है, जो कि मैंने 3 मंथ ही इसको यूज करा है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने स्क्रैच से। पीछे की तरफ आपको चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलता है, जिससे कि आप इसको चार्ज कर सकते हैं, और सामने की तरफ आपको LED इंडिकेटर, जिससे कि ऑन ऑफ और चार्जिंग का पता कर सकते हैं। और गाइस, जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, जो ओपन करने में जो रियल में फीलिंग होती है वो यहाँ पर नहीं आने की, जो कि इसकी मैगनेट है वो बहुत ही लो क्वालिटी की यहाँ पे लगाई गई है, जिससे कि आपका ये रफ जो ढक्कन होता है वो एकदम से नहीं गिरता है यहाँ पे, जो स्मूथली यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाता है। तो इस चीज़ में मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा। और यहाँ पे हम एयरबड्स की बात करें, तो एयरबड्स का डिज़ाइन आपको सेम टू सेम आपको ओरिजिनल एयरबड्स के जैसा ही यहाँ पे कॉपी किया है। पीछे की तरफ आपको ब्लैक कुछ डिज़ाइन देखने को मिलता है, साइड में आपको जो है सेंसर्स मिलते हैं, जिनसे कि आप सॉन्ग को पॉज कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी मुझे ये चीज़ भी लगी, जो कि ओरिजिनल में होती है। और यहाँ पे हम इसके एयरबड्स की बात करें, तो एयरबड्स की साउंड क्वालिटी यहाँ पे ज़्यादा खास आपको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि क्वालिटी के मामले में आपको पता ही कि कंपनी अच्छा देती है, बट यहाँ पे कोई कंपनी ना होने के कारण तो साउंड क्वालिटी आपको बेटर नहीं मिलने की। आपको जो एयरबड्स के पेयर हैं, इनमें आपको 15-15 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 3 से 4 घंटे नॉर्मली न्यू लेने पर आपको चल जाती हैं। उसके बाद हम एयरबड्स के बॉक्स की बात करें, तो बॉक्स में आपको 70 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नहीं चल पाती है, 1 से 2 घंटे इसको चार्जिंग करना पड़ता है, इसमें कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं होती है। उसके बाद हम एयरबड्स को चार्ज कर सकते हैं, उसके बाद ये नॉर्मली जो है 2 या 3 घंटे आपको रेगुलरली म्यूजिक सुना सकते हैं। इसकी कंडीशन देख सकते हैं 3 मंथ के बाद कितनी ज़्यादा रफ हो चुकी है, और अंदर में डस्ट जो है इतनी भर चुकी है, बिल्कुल बेकार हो गया है।
तो गाइस ये जो एयरबड्स है बिल्कुल सेम आपको एप्पल जैसे ही कॉपी देखने को मिलेंगे, बट आपको शो ऑफ करना है तो आप इस प्रोडक्ट को ले भी सकते हैं, बट साउंड क्वालिटी के मामले में आपको बेटर ये आवाज़ नहीं देने के। गाइस साउंड क्वालिटी के मामले में बिल्कुल भी मुझे ये बेकार लगा, क्योंकि जब भी मैं इसको यूज करता हूँ 15 से 20 मिनट ही अपने एयर में लगाता हूँ, उसके बाद जो है ये इतना पूरी तरह से हमारे कानों में दर्द कर देते हैं, जिससे कि इसकी साउंड क्वालिटी वो बिल्कुल भी यहाँ पे क्लियर नहीं आती है, और सभी जो यहाँ पे जितनी भी इसके बेस ट्रेबल्स वगैरह होते हैं वो बिल्कुल भी आपको शार्पनेस से नहीं सुनाई देते। तो यहाँ पर आपको म्यूजिक सुनने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने का। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, जो इसकी फिनिशिंग वगैरह है, जो इसका डिज़ाइन है, वो बिल्कुल एप्पल से सेम टू सेम कॉपी लिया गया है, जिसका नाम भी एयरबड्स 2 दिया है। तो ये चीज़ आपको देख सकते हैं, अगर आपको एक शो ऑफ करना है, किसी को दिखाना है, आप इन एयरबड्स को ले सकते हैं, बट मेरे रिकमेंडेशन यही है कि आप इनको ना लें, कोई लाइक ब्रांड की तरफ जा सकते हैं, नॉइज या बोट या बोल्ट, काफ़ी ज़्यादा आपको ब्रांड देखने को मिल जाएंगे जो कि बजट में आपको एक अच्छे एयरबड्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं। बस उनकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेटर होती है, मैंने जो है अपने चैनल पर उनकी वीडियो काफ़ी सारे डाल रखे, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं और काफ़ी बजट में आपको वो मिल भी जाएंगे। नीचे मैं 4-5 जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उनको चेकआउट करके भी देख सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइस के मैंने जो है एयरबड्स डाल रखे हैं, तो आप उनको भी एक बार देख सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेड यही है कि आप इसको ना लें, क्योंकि 3 मंथ के बाद जो इसकी क्वालिटी है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाती है, और बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 3 मंथ के बाद ये बैटरी बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलती है, बट जो वायरलेस चार्जिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तो आप इसको वायरलेस से चार्ज ना करें। साथ ही इसमें आपको M1 का जो है सेंसर देखने को मिलता है, जैसे ही आप इसको एप्पल के किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, कोई से भी मोबाइल से, तो आपको उसमें जो है एयरपोर्ट्स का जो है पॉपअप दिखाई देता है, वो काफ़ी मुझे एक्चुअल में रियल लगता है, जैसे कि रियल एयरपोर्ट्स में होता है, सेम इन्होंने इस तरह से इसमें सेंसर डाला हुआ है, जिसकी वजह से ये एक ओरिजिनल की फील देता है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो ये वाले एयरबड्स जो कॉपी हैं ये मुझे बिल्कुल ही बेकार लगे, बट इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ अच्छी खास बात भी लगी, जैसे इसका M1 का जो सेंसर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और उसके जो एयरबड्स के जो टच स्क्रीन है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो और जो इसकी वायरलेस चार्जिंग है वो भी ठीक ठाक लगी, और जो इसका मेन पॉइंट है वो है इसका डिज़ाइन, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि सेम इन्होंने जो है एप्पल की कॉपी करी है, तो यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा एप्पल एयरबड्स ओरिजिन में और इनों में। तो आप इनको ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई आईफोन है और उसका एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो आप इसको लेके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एप्पल का, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बट आपको साउंड क्वालिटी से प्यार है तो आप इनकी तरफ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि साउंड क्वालिटी मैंने बता ही दिया है बिल्कुल ही बेकार है, तो आप एक अच्छे ब्रांड की तरफ जा सकते हैं, बट आपका प्राइस कम है और आपको शो ऑफ करना है तो आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, उसके बाद ये ठीक ठाक आपको चला ही देगा 2 से 3 मंथ, बट इसकी कंडीशन अब फिलहाल डेड है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको लेने के बाद इसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकता हूँ 1 या 2 साल, तो आप बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि 3 मंथ के बाद इसकी ऐसी कंडीशन हो गई है तो आपके 4th मंथ में किस तरह से कंडीशन हो जाएगी इस प्रोडक्ट की। तो आप देख सकते हैं कितने स्क्रैच वगैरह हो गए हैं, साइड में आपको क्रैक भी देखने को मिलेगा, और जो पीछे की तरफ इसका स्टील से बॉडी है ये स्टील की नहीं है, ये प्लास्टिक की, तो इसमें आपको काफ़ी स्क्रैच देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर मेन चीज़ है जो इसकी बैटरी, वो बैटरी जो है 3 मंथ के बाद बिल्कुल ही डेड हो जाती है, जैसे कि मैंने बताइए इस टाइम डेड हो गए हैं, यहाँ पे आपको चार्जिंग शो करते हैं, बट जो इसके एयरबड्स हैं वो चार्ज नहीं हो पाते हैं, बस LED जो है वो यहाँ पे दिखा जाती है कि चार्जिंग कर रहा है। तो गाइस इस मामले में आप बिल्कुल भी रहने दें इस प्रोडक्ट को। वीडियो में बस इतना ही, तो मैंने सभी जानकारी आप लोगों को दे दी है, आपका ओपिनियन है आपको बाय करना है या नहीं करना है, और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ एयरबड्स के लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं, साथ ही मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है तो आप मुझको वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वारी है तो वहाँ मुझसे DM कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंडों के साथ सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।